हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स आई एम मोहम्मद अराफात खान फाइनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप ट्वेल्थ क्लास की वीडियोस भी अपलोड करें तो फ़ाइनली आज मैं ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट कर रहा हूं. अगेन मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर ट्वेल्थ क्लास का अपलोड किया हुआ है जिसको हमने चैप्टर थर्टीन कहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने कंप्लीट चैप्टर अपलोड किया हुआ है और वो चैप्टर अपलोड करने के बाद मैंने टोटली फोकस इलेवन क्लास के ऊपर कर लिया था और मतलब लास्ट वीडियो तक मैंने इलेवन क्लास को डिस्कस किया और उस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से ये भी वादा किया था ये प्रॉमिस किया था कि आपसे मैं ये करूँगा कि हम लोग बेसिकली दोनों क्लासेस को एक साथ लेकर चलेंगे मैं इलेवंथ क्लास के टॉपिक्स के साथ साथ मैं ट्वेल्थ क्लास के टॉपिक्स को भी चैप्टर्स को भी कवर करूँगा तो थर्टीन चैप्टर यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले एक चैप्टर हमारा जो आता है दैट चैप्टर इज़ इस इलेक्ट्रो स्टैटिक्स है ना तो आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स को और ऑलरेडी हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर हुआ हुआ है उसके बाद फिर हम जाएंगे मैग्नेटिज्म एंड एलक्ट्रो की तरफ ठीक है ओके okay, स्टार्ट uh, करने से पहले वही वाली बात कि अगर आप लोग बगैर सब्सक्राइब कर किए हुए देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर हिट कर दिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस मिल सकें ओके okay, जनाब तो अगर मैं स्टार्ट करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक्स से तो द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑफ इज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है एक इलेक्ट्रो का और एक स्टैटिक्स का ठीक है अच्छा इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को जब वो रेस्ट में होते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके बिहेवियर्स क्या होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये सारी चीजें हम कौन सी ब्रांच में डिस्कस करते हैं इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मैं काम भी करता हूं आज बेसिकली आपने पढ़ा होगा जो हमारा टाइटल है बेसिकली वीडियो का दैट इज कूलम्स लॉ तो कूलम्स लॉ से पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो थोड़ी बहुत बेसिक्स हैं जो आपको पता भी होंगी बहुत से स्टूडेंट्स को पता होंगी तो हम उन्हीं बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे टॉपिक के ऊपर एंड टॉपिक इज कूलम्स लॉ तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके बेसिक्स डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट deals that deals with the study of with the study of electric charge electric charges when they are at rest when they are at rest properties of electric charges the behavior of electric charges when they are at rest is studied द ब्रांच विच इज नोन एज स्टैटिक्स समझ रहे तो यह तो आगे बेसिक सी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के फिर हमें ये बात भी पता है कि charges, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है लो, दो, दो लो, दो, एक कॉम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज नंबर वन पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर टू नेगेटिव चार्ज ठीक है ना ये दो किस्म के हमारे पास चार्ज होते हैं इसके अलावा कोई तीसरा किस्म हमारे पास तीसरी काइंड हमारे पास चार्जेस की नहीं होती देर आर ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस नंबर वन पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर टू नेगेटिव चार्ज एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं. इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ठीक है ना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है ना इसी तरीके से जब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की तो आपने एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैं आपको बेसिक्स पहले बता रहा हूं उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बेसिकली तो क्या चीज सेम चार्जेस सेम चार्जेस रिपेल इच अदर है ना एंड या वेयर एज अनलाइक चार्जेस अनलाइक का मतलब ओपोजिट चार्जेस है ना डिफरेंट चार्जेस सो अनलाइक चार्जेस एट्रैक्ट एट्रैक्ट ईच अदर ईच अदर बहुत आसान सी बात है आप ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी और होनी भी चाहिए बहुत बेसिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आप इस चीज़ को क्या कहते हैं कि लेट सपोज अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा वाला भी पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है भाई रिपेल करता है ना ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे ठीक है इसी तरीके से अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज हो और दूसरा वाला भी नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को हमेशा हमेशा क्या करता है रिपेल करता है तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे इसी तरीके से हमारे पास अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा वाला नेगेटिव हो तो अनलाइक है तो अनलाइक एक दूसरे को क्या करते हैं एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस वाली कंडीशन में रिपल्जन हो रही है 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 ना इस वाली कंडीशन में हो रही है, एक को, एक दूसरे दूसरे को को रिपेल कर रहे हैं रिपल्जन इस वाली कंडीशन में इसी तरीके से इस वाली कंडीशन में भी रिपल्जन हो रही है है ना और इस वाली कंडीशन में अट्रैक्शन हो रही है इस वाली कंडीशन में अट्रैक्शन हो रही है तो सिंपल सी बात है अगर सेम चार्जेस होंगे तो वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं रिपल्शन होती है और अगर अनलाइक अनलाइक चार्जेस 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 हैं 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 का मतलब डिफरेंट तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपको पता है चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स कूलम्स फोर्स क्यों कहते हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूं ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स सो द चार्ज सो द सॉरी सो द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कूलम्स फोर्स अब हम इसको डिस्कस करते हैं सिंपल सिंपल सी बात है ठीक है या आ गया हमारे पास टॉपिक की हेडिंग जो हमारा आज का टॉपिक है जिसको हमने कहा कूलम्स लॉ ठीक है अच्छा कूलम्स लॉ का एक बेसिक सा छोटा सा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यानी कि सेम चार्जेस की कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगी और अनलाइक के चार्जेस के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव होगी इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो किस्म की हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ठीक है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय अटिस्ट हुम इज चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम समझ रहे इस फोर्स या इन फोर्सिस की क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट की गई इसको ढूंढा गया इसको कैलक्यूलेट किया गया कि ये जो फोर्सेज हैं फोर्स ऑफ रिपल्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कितनी हो सकती है हाउ टू कैलक्यूलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम चार्ल्स कूलम था और उसने एक लॉ दे दिया इंट्रोड्यूस कर दिया डिड्यूस कर दिया पुट फॉरवर्ड कर दिया और उस लॉ को हम जानते हैं कूलम्स लॉ के नाम से याद रखिएगा कूलम्स लॉ इज ऑल अबाउट टू कैलक्युलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स क्या कहा मैंने कूलम्स लॉ के अंदर सिर्फ हम एक काम करते हैं वो ये करते हैं किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना उस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं समझ रहे हैं तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने लिख दूं जो मैंने अभी आपसे कहा वो इंट्रोडक्शन क्या द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट <coughs> द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किसकी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किसने इन्वेस्टिगेट की वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय चार्ल्स कूलम बाय चार्ल्स कूलम यह आ गया इसका नाम इन 1884 In 1884 and he put forward and he put forward a law known as known as Coulomb's law, known as Coulomb's जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई इसको हम जानते हैं Coulomb's law के नाम से Coulomb's law ठीक है तो ये आ गया इसका छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए लाजमी कोई भी लॉ पढ़ते हैं कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका इंट्रोडक्शन है क्या उसमें क्या पढ़ रहे हैं ये तो आप पर फ़र्ज है जानना आप पर फर्ज़ है आप पर लाजिम है कि आपको पता हो तो ऐसे नहीं कि आपने कोलम जाकर सिर्फ फॉमूला रट लिया और बहुत से स्टूडेंट्स को पता होता है है ना पता ये नहीं होता है कि इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन तो ध्यान में रखो क्या है ये किसी भी इलेक्ट्रोसैटिक फोर्स की क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट हमें कैसे पता चलती है हमें कुलम्स लॉ से पता चलती है ठीक है सो द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द फोर्स इस चीज को हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ के अंदर यानी कि हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा क्या आप उसकी क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है न्यूटन में कितनी है समझ रहे हैं okay. ओके जाहिर सी बात है जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ हमेशा स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है एक काम ही करते हैं पहले मैं यहां पर इसकी डायग्राम बना देता हूँ लेट सपोज हमारे पास एक चार्ज हो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज इसी तरीके से लेट सपोज हमारे पास एक और चार्ज हो इसको भी हम कह देते हैं क्यू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए है ना अच्छा अगर दो चार्जेस है तो मैं सपोज एक को कह दूंगा क्यू वन और सेकंड वाले को हम कह देंगे क्यू टू अच्छा अगर ये पॉजिटिव है सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो ये देखो ये वाला रिपेल होगा ठीक है और ये वाला भी रिपेल होगा जाहिर सी बात है रिपल्सिव फोर्स है और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है यहां से लेकर यहां तक का उस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे स्मॉल आर से ठीक है नाउ यह आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन

ठीक है तो यह आ गई फोर्स और इसी तरीके से यह आ गई फोर्स ठीक है अच्छा इन दोनों के चार्जेस के बीच में अभी भी जो डिस्टेंस आ रहा है यहां से लेकर यहां तक इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे आर के साथ नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है अब हम क्या करने जा रहे हैं इस फोर्स का बारे में इस फोर्स के बारे में हम यहां पर एक स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू डिराइव अ फॉर्मूला जिस फॉर्मूले के जरिए आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है और वो स्टेटमेंट क्या है उस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और समझते हैं उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं स्टेटमेंट हां भाई स्टेटमेंट को चेक करें वो स्टेटमेंट क्या है द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें पता होना चाहिए हमारे पास यहां पर दो किस्म के प्रोपोर्शनल होते हैं है हाँ ना एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि इफ वी इंक्रीज वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस अगर आप एक को डिक्रीज करें तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाए इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा इनवर्स हो जाना एक को इंक्रीज कर रहे हो दूसरा डिक्रीज हो जाए एक को डिक्रीज कर दो दूसरा इंक्रीज हो जाए इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ठीक है सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू द प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली यानी कि इस स्टेटमेंट के अंदर ये दोनों प्रोपोर्शनल एक साथ आ गए डायरेक्टली भी आता है और इसी स्टेटमेंट के अंदर इन्वर्सली भी आता है ठीक है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन दैम या बिटवीन द चार्जेस बिटवीन द चार्जेस ये तो आ गया भाई इसका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट के बगैर कोई भी लॉ अधूरा होता है अगर आपको स्टेटमेंट ना पता हो इसका मतलब तो आप लॉ को जानते ही नहीं है समझ रहे हैं तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है यहां पर स्टेटमेंट में दो बातें हो रही हैं ये जो किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स होती है ना ये डिपेंड करती है दो चीजों पर एक तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स पर यानी कि क्यू और क्यू इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा ठीक है मतलब चार्जेस की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इन चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी समझ रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भले वो रिपल्जन हो भले वो अट्रैक्शन हो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाए ज्यादा हो जाए तो लाजमी है कि आप उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को भी बढ़ा दें ठीक है थीके? तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जिस का मैग्नीट्यूड जितना कम उतनी कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो चार्जेस के मैग्निट्यूड पर डिपेंड करती है चार्जेस की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है समझ रहे हैं तो इस चीज को आप पता है कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली देखें द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इन टू क्यू टू इसको हम कह देंगे रिलेशन नंबर वन अब आप नोट करो Q1 क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट चार्ज Q2 क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड चार्ज अब आप नोट करोगे इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई प्लस का साइन नहीं है कोई माइनस का साइन नहीं है इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट कहते हैं तो आप इसको कैसे रीड करोगे प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस है ना मतलब मैं इस वाले पार्ट को कैसे रीड करूंगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस अब आप रीड करें इस पूरी इक्वेशन को नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ये देखिए यहां से लिखा हुआ यहां तक यहां तक ठीक है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना कम उतनी कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये तो आ गई पहली बात इसी स्टेटमेंट के अंदर एक और बात छुपी हुई है वो बात पता है कौन सी है वो बात यह कि इन दो चार्जेस के बीच में एक चीज और है जिससे फोर्स बढ़ती भी है जिससे फोर्स कम भी हो सकती है वो पता है क्या डिस्टेंस आप सोचो कॉमन सेंस लगाओ मेरे पास दो चार्जेस हो मैं उन चार्जेस को दूर लेकर जा रहा हूं दूर लेकर जा रहा हूं दूर जाने से क्या हो रहा है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है आप सोचो अगर डिस्टेंस बढ़ता जाए तो डिस्टेंस के बढ़ने से इनके बीच में जो अट्रैक्शन या जो रिपल्जन है या जो फोर्स है वो बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए मतलब वो एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं तो कॉमन सेंस अगर आप लगाएं ना तो डिस्टेंस के बढ़ने से रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा कम हो जाएगी यानी कि फोर्स चार्जेस के बीच में कम हो जाएगी कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं और आप सोचो आप चार्जेस को करीब लेकर आ रहे हैं करीब लेकर आ रहे हैं करीब लेकर आ रहे ले हैं करीब लाने से डिस्टेंस कम हो रहा है तो डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ज्यादा स्ट्रांगर होगी बढ़ जाएगी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है डिस्टेंस बढ़ाओ फोर्स कम हो जाएगी डिस्टेंस कम कर दो फोर्स बढ़ जाएगी कौन सा प्रोपोर्शन में आता है क्या अब यहां पर डायरेक्टली है नहीं यहां पर तो अब इनवर्सली हो रहा है उल्टा हो रहा है डिस्टेंस के कम करने से फोर्स बढ़ रही है डिस्टेंस के ज्यादा करने से फोर्स कम हो रही है तो इसी वजह से हम कहते हैं फोर्स इनवर्सली रिलेट करती है और किससे रिलेट करती है डिस्टेंस से रिलेट करती है ठीक है तो इस बात को हम पता है मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे देखें एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आर का मतलब क्या डिस्टेंस और डिस्टेंस के ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर तो इस चीज को आप कैसे रीड करेंगे एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगाया स्क्वायर कूलम ने अपनी मर्जी से नहीं लगाया था स्क्वायर पहले इसने एक्सपेरिमेंट्स किए एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उसको डेटा कलेक्ट हुआ कलेक्ट करने के बाद उसने ये फॉर्मूला बनाया कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी कि इसका मतलब पता है क्या हुआ कि अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे ना डबल का मतलब टू टू टाइम्स बढ़ा दिया आपने तो अगर आप डिस्टेंस को टू टाइम्स बढ़ा दोगे तो फोर्स टू टाइम्स कम नहीं हो जाएगी है ना वो वो हाफ नहीं हो जाएगी बल्कि आपने पता है क्या करना होगा टू पर स्क्वायर करो इसका मतलब फोर यानी कि अगर आप डिस्टेंस को डबल करो तो फोर्स क्वार्टर्ड हो जाएगी फोर्स फोर टाइम्स कम हो जाएगी यह चीज है यह एक्सपेरिमेंटल सेटअप था यह एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आ रही है तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद डेटा को कलेक्ट करने के बाद ग्राफ्स बनने के बाद उसने यह कॉन्क्ल्यूड किया कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करती है इनवर्स टू द स्क्वायर तो भाई ये दोनों बातें आपके सामने लिखी हुई है दोनों बातें क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर नहीं लगाया पूरा का पूरा लॉ आपने खराब कर दिया समझ रहे हैं अगर आपने स्क्वायर लगाना भूल गए आपने पूरा का पूरा लॉ खराब कर दिया समझ रहे हैं ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अगर मेरा कंप्लीट नेम मोहम्मद अरफात खान है ना तो आप मेरी कास्ट चेंज कर दो फर्स्ट नेम चेंज कर दो सेकंड नेम चेंज कर दो मतलब मेरी आपने पर्सनैलिटी के ऊपर एक सवाल उठा दिया मेरा नाम क्या था आपने क्या नाम बना दिया मुझे गुस्सा आएगा समझ लो तो जो चीज जैसे है वैसे रखोगे तो सही रहेगी तो डिस्टेंस का स्क्वायर लाजमी है स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में होशियारी दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं ना स्क्वायर भूल जाते हैं मोस्टली मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यह गलती करते हैं जिससे उनके आंसर गलत हो जाते हैं क्यों जल्दी हो रही है भाई जल्दी करना अच्छी बात है आपको अक्सर जब एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं वहां पर आपका टाइम फ्रेम कम होता है नो no डाउट लेकिन आप जल्दी कब कर जब करो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जब आपकी परफेक्शन बहुत ज्यादा हो समझ रहे हैं ऐसे जल्दी करोगे तो आप हमेशा नुकसान पाओगे ओके डिस्टेंस के स्क्वायर के अब एक काम एक करते हैं हम एक फॉर्मूला बनाना है उस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को रिलेशन को कंबाइन करना पड़ेगा बाय कंबाइनिंग दीज रिलेश हां भाई कंबाइन करें कंबाइन करने का मतलब दोनों के लेफ्ट साइड पर कौन है एफ प्रोपोर्शनल टू ऊपर कौन आ जाएगा क्यू वन क्यू टू क्योंकि डायरेक्टली है और अपॉन में कौन आ जाएगा यह आ गया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ठीक है पहले दो अलग अलग बातें अलग अलग करके लिखी बाद में हमें फॉर्मूला चाहिए था तो हमने दोनों को एक साथ करके लिख दिया अब चलते हैं आगे जब भी हम इस साइन को रिमूव करते हैं हाँ भाई हमें फॉर्मूला बनाना है फॉर्मूले के अंदर इक्वल का साइन लाजमी होना चाहिए हर वो इक्वेशन हर वो कंडीशन जिसमें इक्वल आता है उसी को हम फॉर्मूला कहते हैं उसी को हम इक्वेशन कहते हैं दिस इज नॉट द इक्वेशन दिस इज नॉट द फॉर्मूला बिकॉज यहां पर इक्वल नहीं है हमें इक्वल चाहिए और इक्वल कैसे आता है एक रूल है मैथमेटिक्स का वो क्या कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करोगे तो इक्वल के साथ लाजमी है कि आपने एक कॉन्स्टेंट पुट करना है और हर डेरिवेशन का अपना कॉन्स्टेंट होता है कहीं पर हम कैपिटल जी पुट करते हैं तो कहीं पर हम म्यू पुट करते हैं है ना तो हर डेरिवेशन कहीं पर हम के पुट करते हैं तो हर डेरिवेशन का अपना एक कॉन्स्टेंट होता है तो जनाब यहां पर जो हम कांस्टेंट पुट करने जा रहे हैं वो कॉन्सटेंट आ जाएगा कैपिटल के और बाकी फैक्टर क्या है क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर बिल्कुल सेम ये बन गया फॉर्मूला ये बन गई इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट बेसिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स या इन द ब्रांच विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस फॉर्मूले से पता नहीं आगे जाके कि कितने कितने फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग समझ रहे हैं तो ये बेसिक्स में से आता है ये फॉर्मूला बेसिक्स में से इसको हम कहते हैं द इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ समझ रहे हैं किसी भी दो चार्जेस के बीच में अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो के क्या लिखा हुआ है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर भाई हमें एफ पता है एफ का नाम क्या है एफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें क्यू वन पता है क्यू वन क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट चार्ज हमें क्यू टू पता है क्यू टू क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड चार्ज हमें आर पता है आर क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस हमें अभी तक अगर नहीं पता जो हमने अभी नई नई इंट्रोड्यूस करवाया है वो क्या है कैपिटल के कैपिटल के क्या है पहली बात इट इज अ अंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पहली बात इट इज अ कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है और हर कॉन्स्टेंट का अपना एक पर्टिकुलर नाम और उसकी एक अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है तो भाई इस के का भी नाम है और इस के की वैल्यू भी है तो सबसे पहले एक काम करते हैं इस के का हम यहां पर नाम लिख देते हैं के का नाम क्या होना चाहिए के इज अ कांस्टेंट के इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड इस के को हम पता है किस नाम से जानते हैं ये के अपने साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ही रखा गया है इसका नाम जो साइंटिस्ट था वो कौन था कूलम तो इस कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं कूलम्स कॉन्स्टेंट समझ रहे हैं लॉ का नाम क्या है कूलम्स लॉ तो कांस्टेंट का नाम भी क्या है कूलम्स कांस्टेंट विच इज नोन एज या विच इज कॉल्ड कूलम्स कूलम्स कांस्टेंट समझ रहे हैं तो भाई ये फॉर्मूला आपके सामने बना हुआ है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर और के यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया हमने इस का नाम क्या आ गया यहाँ पर कूलम्स कॉन्स्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है अब इसकी वैल्यू को भी हम डिस्कस करते हैं ये वह वो वाली बातें हैं जो अभी हमने थोड़ा थोड़ी देर पहले यहाँ पर डिस्कस करी थी वो मैंने सारी शिफ्ट करके यहाँ पर लिख दी आपके सामने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए ताकि मैं समझ रहा था कि जो कूलम्स लॉ वाला टॉपिक है वो कम्प्लीटली आपको अपेयर हो जाए पूरे इस कम्प्लीट बोर्ड के ऊपर ताकि आप लोगों को नोट करने में आसानी रहे ठीक है तो ये आगे वही वाली बात जो हमने अभी तक डिस्कस कर ली है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर और जिसमें के को हमने क्या कह दिया था कूलम्स कॉन्स्टेंट अब हम इस के को डिस्कस करते हैं आपको पता है जो के की कॉन्स्टेंट वैल्यू है उस कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम ड्राइव करते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम बनाते हैं इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला से ये के का फॉर्मूला है जहां से हमें के की वैल्यू पता चलती है अब सवाल पैदा ये होता है कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया तो इसकी डिटेल में इस लेवल के ऊपर जाना ठीक नहीं रहेगा इस लेवल के ऊपर जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ क्लास ट्वेल्व उसमें इस फॉर्मूले की डेरीवेशन इंक्लूड नहीं है तो हम इसकी डेरीवेशन की तरफ डिटेल की तरफ नहीं जाते फिलहाल फिलहाल हम इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करते हैं कि यहाँ पर ये जो के की वैल्यू है वो के की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से ड्राइव हुई अच्छा के के फॉर्मूले को अगर हम नोट करें तो क्या क्या आ रहा है वन अपॉन फोर पाए पाए हम जानते हैं थ्री पॉइंट वन फोर होता है और एक यहाँ पर फैक्टर आ रहा है जिसको हम जो जिसको हमने थोड़ा सा यूं करके लिखा हुआ ये देखें एक तो होता है ई इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ई ठीक है ये ई नहीं है इसको आपने सपोज ऐसे बनाना है कैपिटल सी बनाइएगा और कैपिटल सी के साथ ऐसे बीच में एक लाइन बना दिएगा सिंबल का नाम होता है इसको हम कहते हैं नॉट ई इसको हम ई नहीं कहेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे तो अब आप इस फॉर्मूले को कैसे रीड करेंगे वन अपॉन फोर पाएसाइलन और छोटा सा जीरो बना हुआ इसको हम बोलते हैं नॉट तो क्या बोलेंगे भाई एप्सायलन नॉट ठीक है तो अब सवाल पैदा ही होता है कि सर हम के को डिस्कस कर रहे थे इस के, के अंदर ये क्या है? तो भाई इसकी वैल्यू क्या होती है इसको हम डिस्कस करते हैं ठीक है कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड अब हम लिखते हैं इसका नाम कि ये जो एप्साइल नॉट है इसको हम क्या बोलते हैं तो आप इसको बोलिएगा इसका नाम है परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ठीक है ये इस कांस्टेंट का नाम है क्या बोलते हैं इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के सिंबल का नाम एप्साइलन है लेकिन इसको हम यूज किसके लिए करते हैं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के लिए तो इसको हम यूज किसके लिए करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये बेसिकली Uh, एक तरीके से मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना बेसिकली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा एक हवाला दे हूँ थोड़ा सा आपको इसका एक बारे में एक बात बता दूं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि फ्री स्पेस का परमिट करना फ्री स्पेस का अलाउ करना किसको अलाउ करना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलाउ करना इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये कांस्टेंट होती है समझ रहे हैं। और यह कॉन्स्टेंट अगर होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है वो वैल्यू नोट कर करिएगा आप लोग हाँ भाई एप्साइलन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज टू पावर ठीक है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये बन गई इसकी कांस्टेंट वैल्यू किसकी कांस्टेंट वैल्यू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होती हमेशा आपने ये याद रखनी है सो एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन एस टू पावर माइनस ट्वेल्व और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर स्क्वा यूनिट होता है डिस्टेंस का. का और यहां पर जो कैपिटल सी आ रहा है कैपिटल सी किसका यूनिट होता है चार्ज का यानी कि हम चार्जेज यानी कि चार्ज को जो हम मेजर करते हैं वो किसमें करते हैं कूलम्स के अंदर करते हैं वन कूलम टू कूलम्स फाइव कूलम जीरो पॉइंट फाइव कूलम्स ठीक है ऐसे करके अब जब आप इस वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको k की भी एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी क्यों क्योंकि वन एक कांस्टेंट नंबर है फोर कांस्टेंट नंबर है पाए कांस्टेंट नंबर है और एपसाइलेंट नॉट तो है ही कांस्टेंट तो k के फॉर्म्ले में जब सारे के सारे कांस्टेंट आ रहे हैं तो जब आप इस फॉर्मूले को अब इससे सॉल्व करेंगे तो आपको जो k की कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी दैट विल बी नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन आसान वैल्यू है बेस भी नाइन और उसकी पावर भी नाइन सो नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन और इसका जो यूनिट बनेगा दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जनाब ये बन गई कैपिटल के की वैल्यू यानी के कुलम कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप बोले सर ये बेसिकली जो यूनिट आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ऑन कुलम स्क्वायर कहां से आ गया तो बहुत आसान सी बात है देखें भाई इस uh, के यूनिट को हम यहां से ड्राइव करते हैं ये देखो फोर्स का फॉर्मला क्या लिखा हुआ है क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अगर मैं इस के का फॉर्मुला यूनिट बनाना चाहूं तो ये आर स्क्तर वहां से वहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर और क्यू वन क्यू टू अपॉन वहां से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएंगे ठीक है और वहां पर बच जाएगा सिर्फ के हाँ भाई फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन ये डिस्टेंस है डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर और मीटर के ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर तो क्या बना न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन

ठीक है और अगर मैं की बात करूंगा तो के का अगर यूनिट ये होता है इस फॉर्मूले से हमने प्रूफ किया है इस बात को, तो जब आप न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर के का यूनिट है तो इसको उल्टा कर दो रेसिप्रोकल कर दो तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट है इट्स ऑल अबाउट द इक्वेशन इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इफ़ यू नो द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स दैन फिजिक्स विल नॉट बॉदर यू फिजिक्स आपको कभी भी तंग नहीं करेगी अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो क्यों क्योंकि फिजिक्स इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स है ना फिजिक्स की सारी की सारी इक्वेशन डेरिवेशन किस पे बेस करती हैं कहाँ से करते हो मैथमेटिक्स से करते हो ना तो मैथमेटिक्स नहीं आती होगी बेसिक्स नहीं पता होंगी फिज़िक्स कैसे पढ़ सकते हो यार आप फिज़िक्स में सिर्फ थ्योरी थ्योरी तो नहीं है ना इसमें मैथमेटिक्स भी है कैलकुलेशंस भी हैं डेरीवेशंस भी हैं तो याद रखिएगा मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए छोटी बहुत बेसिक्स बेसिक्स की हम बात करते हैं ठीक है मुश्किल वाली भी आनी चाहिए आ, लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए तो आपको मैथमेटिक्स की बेसिक्स पता हो तो आप छोटे मोटे स्टेप्स तो आप ऐसे ही कर लेते हैं चुटकियों के अंदर ठीक है आगे चलते हैं अब एक काम ही करते हैं कि हम इस k के, के फॉर्मुले को इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं सपोज इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर वन ठीक है ना या uh, yeah, कुछ नहीं कहते इसको इसको इसको, इसको हम हम इक्वेशन कहते ही नहीं है भाई है सिंपल सा अब हम क्या करने जा रहे हैं हमने इस फॉर्मुले को दोबारा लिखना है और दोबारा कैसे लिखना है इस के का हमें फॉर्मूला पुट करना है भाई देखें एफ मौजूद है ये रहा ठीक है मैं अब के नहीं लिखूंगा बल्कि मैं के का फॉर्मुला पुट करूंगा जो कि क्या लिखा हुआ है वन अपॉन फोर पा एपस नॉट और इसके साथ मल्टीप्लाई में फैक्टर क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्कू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर ये बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला एक और फॉर्म में ये मत बोलना सर ने दूसरा फॉर्मूला बता दिया फार्मूला एक ही है ये फॉर्मूला है के वाला इसी के को पुट करोगे जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये एक्सटेंडेड फॉर्मुला बन जाएगा यानी कि एक ही है दफा हम जब यूज करते, करते हैं जब चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस होता है जब चार्जेस के बीच में वैक्यूम होता है तो हम यहां पर लिख देते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैन देर इज वैन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस बिटवीन द चार्जेस समझ रहे हैं ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला ये वाली इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ जब वैलिड होगी जब चार्जेस के बीच में वैक्यूम होगा कुछ नहीं होगा वैक्यूम हम किस चीज को कहते हैं इफ देर इज नो मीडियम If there is नो मीडियम एबसेंस ऑफ मीडियम को हम कहते हैं वैक्यूम जैसे हमारी जमीन से लेकर सूरज तक सन तक कोई मीडियम नहीं है इसको हम क्या बोलेंगे वैक्यूम है ना लेकिन हमारी अर्थ के अंदर एटमोसफियर है हवा है गैसेज है तो यहां पर मीडियम है एयर की फॉर्म में मीडियम है ठीक है तो अगर मैं इस कंडीशन को बनाना चाहूं लेट सपोज हमारे पास एक चार्ज हो आ, ये रहा हमारे पास एक चार्ज जिसको मैं कह देता हूं प्लस क्यू वन है और सपोज अगर मैं इसको कह देता हूं ये रहा माइनस चार्ज यानी कि सेकंड चार्ज यानी क्यू टू इन दोनों के बीच में आ रहा है डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का ये आ गया डिस्टेंस यानी कि आर ठीक है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी अट्रैक्टिव जो फोर्स होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एफ के साथ तो अगर अभी बीच में आपको फोर्स चार्जेस के बीच में कुछ नहीं दिख रहा तो हम बोलेंगे वैक्यूम है और जब तक चार्जेस के बीच में कुछ नहीं होगा वैक्यूम होगा तो हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया साफ साफ नीचे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेन देयर इज नथिंग वेन देर इज नथिंग बिटवीन द चार्जेस और इफ वी सेट वेन देर इज नथिंग वी मीन वॉट वी मीन वैक्यूम हमारा मतलब होता है किससे वैक्यूम से आगे चलते हैं आगे क्या चलेंगे आगे बेसिकली हम लोगों ने एक कंडीशन को और डिस्कस करना है आप लोग हो सकता है सोच रहे हो कि सर क्या अगर वैक्यूम है वैक्यूम की कंडीशन आ गई तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि चार्जेस के बीच में कुछ हो बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हो, हो सकता है दो कंडीशन आती हैं चार्जेस के बीच में कुछ ना होना मतलब वैक्यूम है और चार्जेस के बीच में कुछ होना मतलब मीडियम है तो वी हैव टू फोर्सेस वी हैव टू फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स वन वेन देयर इज नथिंग वेन देर इज नो मीडियम एंड नंबर टू वैन देयर इज मीडियम बिटवीन द चार्जेस तो अब हम क्या करते हैं हम सेकेंड वाली कंडीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं क्या डिस्कस करेंगे भाई हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट इफेक्ट ऑफ मीडियम समझ रहे मैंने हेडिंग क्या डाली इफेक्ट ऑफ मीडियम यानी कि इफेक्ट किसका मीडियम का किस पर ऑन इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ठीक है अब हम यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास चार्जेस के बीच में कोई मीडियम हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ना चाहिए लेट सपोज हमारे पास दो चार्जेस हो मैंने बनाया एक प्लस चार्ज इसको हम कह देते हैं क्यू वन मैंने बनाया एक नेगेटिव चार्ज इसको हम कह देते हैं क्यू टू इनके बीच में डिस्टेंस है बिल्कुल है यहां से लेकर यहां तक इसको हमने कह दिया आर द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और मैं एक काम ये करता हूं इन चार्जेस के बीच में इस बार कुछ रख देता हूं कोई इंसुलेटर रख देता हूं और इसको मैं कह देता हूं ये आ गया बीच में हमारे पास मीडियम दिस इज द मीडियम यानी कि अब आ गया हमारे पास इन दो चार्जेस के बीच में एक मीडियम जिसको हमने कह दिया इंसुलेटर कोई भी इंसुलेटर हो सकता है कोई भी मीडियम हो सकता है 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 इसका एक नाम और होता है, इसको हम कहते हैं ठीक तो मीडियम आ आ आ गया इलेक्ट्रिक आ गया गया इंसुलेटर कुछ भी कह सकते हो और ये जो मीडियम है ये कुछ भी हो सकता है बस मीडियम आ जाए सिंपल सी बात है ठीक है ना तो हम ये कहते हैं लेट सपोज मैं वही डिस्टेंस वाली बात कंप्लीट लिख देता हूं यहां से लेकर यहां तक क्या होता है ये होता है हमारे पास डिस्टेंस अच्छा अब ये जो मीडियम हमने इंट्रोड्यूस किया ये मीडियम कुछ भी हो सकता है इस मीडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर सिंबल से और वो सिंबल क्या होता है मैं यहां पर बना देता हूं इसको हम कहते हैं हां भाई इस सिंबल का नाम याद आया बताओ क्या है सोचो इसको मैंने क्या बताया था एपसाइलन थोड़ी देर पहले बताया मैंने इसको हम क्या बोलते हैं एपसाइलन ये लिखा अगर एपसाइलन के साथ जीरो बना हुआ है इसको हम बोलते हैं एपसाइलन नॉट और इस एपसाइलन नॉट का नाम क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और अगर हम एपसाइलन के साथ आर बना दें तो इसका मतलब हो जाता है ये आ गई हमारे पास मीडियम के लिए तो हमारे पास दो किस्म के एप्सायलन होते हैं एक होता है एप्साइलन नॉट और एक होता है एपसाइलन आर एपसाइल नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एपसाइलन आर का मतलब इट इज अ मीडियम समझ रहे हैं उस मीडियम को हम शो कर रहे हैं एपसाइलन आर से मतलब चार्जेस के बीच में अब एपसाइलन आर आ गया ठीक है अच्छा अब थोड़ी देर के लिए सोचो चार्जेस के बीच में फोर्स है ठीक है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपने कुछ नहीं किया ना इनको दूर किया ना इनको करीब किया ये सब अपनी जगह पे मौजूद है अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इनके बीच में कुछ लेकर आ गए कोई चीज लेकर आ गए ठीक है कोई मीडियम लेकर आ गए आप सोचो अगर आप चार्जेस के बीच में मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो क्या वो चार्जेस अब भी उसी स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या अब भी उनके बीच में जो फोर्स होगी क्या वो अभी भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ होगी जितनी जब कुछ नहीं था तब थी क्या मतलब वो जो चीज आ रही है वो उसके आने से इन दोनों की फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो आप अगर सोचें तो आप बोलेंगे फर्क पड़ना चाहिए अगर आप चार्जेस के बीच में कोई भी चीज लेकर आ जाओगे ना तो वो शील्डिंग का काम करेगी इन दोनों के बीच में जो फोर्स है अट्रैक्टिव हो भले रिपल्सिव हो उस फोर्स पर फर्क डालेगी उस पर इफेक्ट डालेगी और पता है इफेक्ट दो किस्म का होता है या तो बढ़ा देना या कम कर देना तो यहां पर फोर्स कम हो जाती है यानी कि जब आप चार्जेस के बीच में कुछ रख देते हो कुछ लेकर आ जाते हो तो वो शील्डिंग का, का काम करती है इसका मतलब वो चार्जेस के बीच में फोर्स को डिक्रीज कर देती है रिड्यूस कर देती है और वो उतनी ही रिड्यूस करती है जितने अमाउंट का आपने मीडियम यूज किया जितने अमाउंट का आपने एपसाइल आर यूज किया तो इस बात को मैं यहां पर लिखूं क्या लिखेंगे कि इफ वी इंट्रोड्यूस फ वी इंट्रोड्यूस अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस बिटवीन द चार्जेस द हाँ भाई मीडियम के इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ पहली बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाती है ये बात आपने सामने ध्यान में फिट कर लीजिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूसेस या डिक्रीजेस है ना डिक्रीजेस बाय एन अमाउंट ये कितनी डिक्रीज होगी ये उतनी ही डिक्रीज होगी जितनी वैल्यू का आपने मीडियम यूज कर लिया डिक्रीजेस बाय एन अमाउंट और अमाउंट को आप कहेंगे यहां पर जो मीडियम यूज किया आपने इसका सिंबल क्या अमाउंट बाय एन अमाउंट एपसाइल आर विच इज कॉल्ड अब इसका नाम लिखते हैं which is कॉल्ड विच is कॉल्ड इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ परमिटिविटी एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट और एक एप्सिलॉन आर जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी या इसका एक नाम और बताया मैंने आपको और इसको हम कहते हैं डाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ठीक है इसके दोनों नाम है डाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ठीक है अब हमें क्या करना है हमें दोबारा से फोर्स का फॉर्मला यूज करना है लेट सपोज हमने फोर्स का फॉर्मला लिखा है एफ इज इक्वल टू यहां पर करके लिखता हूं थोड़ा सा मैं एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अब आप बोलेंगे सर ये तो फॉमूला आपने वही लिख दिया जो वैक्यूम वाला था एज इट इज़ आपने यहां पर यूज़ कर लिया समझ रहे हैं हाँ यूज़ तो हमने यही किया ना फॉमूला तो यही है ना अब हमें पता है क्या करना है जब कुछ नहीं था तो सिंपल फॉर्मला ये था अब जब मीडियम आ गया मतलब एपसैनन आर आ गया तो आपने इस फॉर्मूले के अंदर वो चीज़ डालनी है वो चीज़ इंक्लूड करनी है जो चीज़ आ गई वो चीज़ क्या है एपसैन आर है अब हमें कुछ नहीं करना है इस फॉर्मूले के अंदर हर चीज वहीं रहेगी हर चीज वहीं रहेगी सिर्फ एक चीज इंक्लूड कर दो एक चीज ऐड कर दो वो चीज क्या है एपसेलन आर अब या तो ये एप्सिलॉन आर आएगा ऊपर दो ही जगह है ना फॉर्मूले के अंदर दो जगह है, या तो ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो ये मेरी मर्जी के ऊपर नहीं है यार मेरा दिल कर रहा है मैं काम भी करता हूं उसको ऊपर लगा देता हूं एप्सिलॉन आर को या मेरा यह मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको नीचे लगा देता हूं अच्छा लगेगा नीचे लिखा हुआ या अच्छा लगेगा ऊपर लिखा हुआ नहीं हमारे दिल की बात नहीं हो रही यहां पर यहां पर बात हो रही है कॉन्सेप्ट की वही वाली बात अपनी मर्जी से नहीं करते हम लोग हमें जो नेचर बताती है हमें जो एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं हमें वो करना पड़ता है है ना तो भाई हमारे पास दो हैं या तो इस एप्सल आर को मैं ऊपर न्यूमिनेटर में लगा दूं कहीं या इस एपसेलन आर को नीचे लगा दूं ठीक है मैं यहां पर कैसे पता लगाऊं तो पता यहां से आपको कैसे पता चलेगा इससे पता चलेगा ये देखें ये आपको पता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स मीडियम के आने से डिक्रीज हुई आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के यानी कि एप्सिलॉन के आने से रिड्यूस हो गई कम हो गई आपको पता है है मैथमेटिक्स एक रूल जब आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बढ़ता है और जब आप वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आंसर कम होता है इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हुई है तो यह एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई में तो होना ही नहीं चाहिए यह एप्सिलॉन आर डिवाइड में होना चाहिए क्यों क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हुई है समझ रहे हैं तो इस एपसाइल आर को आप इंट्रोड्यूस कर फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला इस फॉर्मूले को हम पता है दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेन देयर इज मीडियम बिटवीन द चार्जेस आ गया एपसाइल आर ठीक है ना तो इस वाले फॉर्मूले को आप कैसे लिख दोगे तो मैं के साथ लगा देता -E मतलब मीडियम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम अब आप नोट करें एक ये रहा और एक ये रहा।

बाकी आप सोचो वन अपॉन फोर पाएसाइलन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यह मैं आपको करके दिखाता हूं देखें एफ इज इक्वल टू ये मीडियम वाली फोर्स है ना मीडियम एम ई डी मीडियम ठीक है वन अपॉन एपसाइलन आर को सबसे अलग करके लिख दो इसको सबसे अलग करके मल्टीप्लाई में लिख दो बाकी अब क्या बचावा वन अपॉन फोर पाए एपसाइलन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है है ये बचा हुआ हमें पता है कि ये वाला जो फॉर्मुला होता है ये फॉर्मूला होता है इस एफ का और इस एफ को हम क्या बोलते हैं वैक्यूम वाली फोर्स तो मैं यहां पर लिख देता हूं यानी कि फोर्स देयर और एफ एम ईडी मतलब फोर्स वेन देयर इज इस मीडियम इसका मतलब अब आप, आप क्या करें इस वाले फॉर्मुले की जगह इसका सिंबल यूज कर लें जो कि क्या है एफ मीडियम तो यहां पर क्या आ जाएगा सॉरी वैक्यूम तो भाई देखिए यहां पर क्या आ जाएगा एफ मीडियम बराबर हो जाएगा ये सेम रहेगा वन अपॉन एपसाइलन आर के इन टू इसकी जगह कौन आ जाएगा इसकी जगह पे इसका सिंबल जो कि कौन है वैक्यूम वाली फोर्स वैक्यूम वाली फोर्स और अब इसको बन से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एपसाइलन आर अब आप इस फॉर्मूले को नोट करें इस फॉर्मूले से आपको वाज़े एक बात पता चलती है वो ये कि जो मीडियम वाली फोर्स होगी वो हमेशा वैक्यूम वाली फोर्स से कम होगी क्यों क्योंकि आपने वैक्यूम वाली फोर्स को एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दिया तो जब आप वैक्यूम वाली फोर्स को मीडियम से यानी कि एप्सिलॉन आर से डिवाइड करोगे तो आपको जो नई फोर्स मिलेगी वो हमेशा कम मिलेगी इसका मतलब मीडियम वाली फोर्स हमेशा हमेशा रिड्यूस होती है कम होती है इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है कि जो मीडियम वाली फोर्स है वो हमेशा हमेशा लेस होगी किससे वैक्यूम वाली फोर्स से

Constant. समझ रहे हैं अच्छा अब अगर आप इसी फॉर्मुले को थोड़ा सा अरेंज करें एपसाइल आर के लिए ये देखें अगर मैं इस फॉर्मुले को अरेज करूं एपसाइल आर के लिए भाई ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम ये बन गया रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला फॉर्मूला रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला अब आप नोट करें हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट है ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट है जो कि क्या है कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर चेक करो चेक करो क्या हम रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट बना सकते हैं बनाकर चेक करते हैं ऊपर आ रही है फोर्स डिनोमिनेटर में भी आ रही है फोर्स भले से वैक्यूम वाली है भले से मीडियम वाली लेकिन है तो फोर्सेस ना ऊपर यूनिट आ जाएगा न्यूटन अपॉन में भी यूनिट आ जाएगा न्यूटन न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं बचेगा समझ रहे इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशो है इसी वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता है यूनिटलेस क्वांटिटी सो रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो यूनिट आप इसको नोट कर कर अगर आप रजिस्टर्स uh, या नोटबुक्स वगैरह लेके बैठे हुए हैं नोट करते हैं चीजों को तो इस बात को नोट कर ले रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि फोर्स पर यूनिट फोर्स यानी कि फोर्स अपॉन फोर्स तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल तो इसका कोई यूनिट नहीं बचेगा तो जनाब ये कहानी आ गई हमारे पास कंप्लीट कूलम्स लॉ की तो आपने पढ़ा कूलम्स लॉ के बारे में कि जो कूलम्स लॉ होता है वो हमें किसी भी दो चार्जेस के बीच में किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करके बताता है बाय यूजिंग दिस फार्मूला और बाय यूजिंग दिस फार्मूला विच वन दिस वन दिस फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला जब आप यूज करोगे आप जब चार्जेस के बीच में कुछ नहीं होगा वैक्यूम होगा ये वाला फॉर्मूला आप जब यूज करेंगे जब चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम मौजूद होगा ये रहा मीडियम जब भी चार्जेस के बीच में कोई मीडियम मौजूद होगा और उस मीडियम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया एप्साइलन आर से रिप्रेजेंट कर दिया है उम्मीद करता हूं कि आपको कूलम्स लॉ का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अगर अच्छा समझ चुके थे आप लोग पहले से ही तो रिपीट हो गया होगा कुछ नई बातें पता चली होंगी यहां पर हमने तीन कांस्टेंट्स पढ़े एक कांस्टेंट के पढ़ा जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं एक कांस्टेंट आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं और एक कॉन्स्टेंट आपने एपसाइल आर पढ़ा जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से जानते हैं तो हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस होती हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन देयर इज वैक्यूम जब कुछ नहीं होगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हमारे पास चार्जेस के बीच में मीडियम होगा तो चार्जेस के बीच में मीडियम के आ जाने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाती है डिक्रीज हो जाती है कम हो जाती है डिक्रीज हो जाती है रिड्यूस हो जाती है इसको अपने सहन में बिठा लो एमसीक्यूज आता है ठीक है और ये उतनी ही डिक्रीज होगी जितने अमाउंट का आपने वो मीडियम यूज़ किया इट डिपेंड्स इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि मीडियम है क्या एयर है या लिक्विड है या आपने कोई कोई वुड यूज किया जो भी है समझ रहे हैं ये उसकी नेचर पर डिपेंड करती है तो जनाब वीडियो अच्छी लगी समझ आई लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें अच्छा लगेगा मुझे ठीक है अपना ख्याल रखिएगा और हम इसी तरीके से वीडियोस अपलोड करेंगे मैं अपलोड करूंगा मैं मतलब जो है साथ साथ लेके चलूंगा फर्स्ट ईयर को भी और साथ लेके चलूंगा अब से इंटर को भी तो आज से फाइनली मैंने एक लंबे गैप के बाद इलेक्ट्रो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के एक लंबे गैप के बाद फाइनली मैंने ट्वेल्थ क्लास दोबारा स्टार्ट करी और मैंने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले टॉपिक यानी कि कूलम्स लॉ के साथ ठीक है देखते रहिएगा अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखें थैंक यू